हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि हम सब कुछ तो कर चुके, देखो इस चैनल पे है ना, हम पेंटिंग कर चुके, हम पेंसिल स्केच कर चुके, हम आर्ट एंड क्राफ्ट कर चुके। तो क्या हुआ, अभी ना एक दो दिन पहले ही मैं अपना सामान वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मुझे ना एक ड्रॉर में अपने ऑयल पेस्टल्स पड़े हुए मिल गए। भगवान जाने किस ज़माने के हैं वो। तो मैंने सोचा कि ये हमने अभी तक यूज़ भी नहीं किया, हमने इनके साथ यू नो एक कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं आज ऑयल पेस्टल्स को लेकर। तो बिना और बकवास किए, बिना या टाइम पास किए बिना अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इन प्यारे से सालों पुराने ऑयल पेस्टल्स को यूज़ करना शुरू करते हैं फॉर अ चेंज। ऐसे मस्ती मस्ती के लिए मैंने एक अलग ही शेप का कैनवास यूज़ करना शुरू करा है। तो मैंने सोचा कि नॉर्मल शेप तो सभी यूज़ करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हम अलग ही डायमंड शेप में कैनवास पेंटिंग करेंगे आज, ड्राइंग, कलरिंग बेसिकली। तो कुछ नहीं करना है हमारे को, बेसिकली लाइट कलर से लेकर डार्क कलर्स तक जाना है ताकि हम एक ग्रेडियंट टाइप कैनवास बना सकें। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने लाइट ग्रीन से शुरू करा है और उसके बाद हम धीरे धीरे ब्लू के जो शेड्स हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं, लाइट ब्लू, फिर उससे थोड़ा डार्क ब्लू, फिर उससे भी ज़्यादा डार्क, फिर उसके बाद हम पिंक पे आ गए क्योंकि इससे ना ऐसे थोड़ा गैलेक्सी सा लुक आता है तुम्हारी पेंटिंग में, है ना। तो हमने कहा इस पेंटिंग में सारे एक्सपेरिमेंट कर डालते हैं। अब तुम्हें एक अल्टीमेटम दे रही हूँ कि इस वीडियो में अब अर्थक्वेक आने वाला है कुछ क्षण सेकेंड्स में। तो अब इस टिश्यू पेपर के थ्रू वो अर्थक्वेक आना शुरू हो चुका है। तो आई होप तुम लोग ये आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो मेरे द्वारा बनाया गया है उसे इंजॉय कर रहे हो, क्योंकि इस टिश्यू पेपर से बेसिकली तुम अपने उन क्रेयॉन्स को घिसते हो ताकि उनकी फिनिशिंग अच्छी आए, वो ब्लेंड अच्छे तरीके से हो जाए। तो उसकी वजह से अर्थक्वेक आना तो ज़ाहिर की बात है। तो अब हमारा अर्थक्वेक ख़त्म हो चुका है, तो हम अपने ग्रे कलर के क्रेयॉन से थोड़ा ऐसा क्लाउड्स बनाने की कोशिश करेंगे और उससे क्या होता है ना, तुम्हारी पेंटिंग में थोड़ा अच्छा सा ऐसा लुक आएगा कि ओहो तुमने क्लाउड्स बना रखे हैं, ओहो तुम्हें कितनी अच्छी ड्राइंग और कलरिंग करनी आती है, तुम कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हो। भले ही हमें कुछ आता वाता ना हो, लेकिन ऐसे बीच बीच में थोड़ी डिटेल्स ऐड करने से ना पेंटिंग में चार चांद लग जाते हैं वाली बात हो जाती है। अब इस पेंटिंग में और चार चांद लगाने के लिए हम अपने स्केच पेन ले चुके हैं। अब तुम लोग क्या है कि कलर पेंसिल भी ले सकते हो ब्लैक कलर की। मैंने यहाँ पे स्केच पेन से एक आउटलाइन करके अपना ब्लैक क्रेयॉन के हेल्प से आगे की कलरिंग करनी शुरू करी है। तुम्हें अगर प्रिसाइजली करना है, तुमसे अब इस मोटे से क्रेयॉन की वजह से अगर तुमसे पतली लाइनें नहीं बन रही हैं तो प्रेफरेबली कलर पेंसिल यूज़ करना। तो अब मैंने ऐसा एक झूला सा बना दिया है ना, और उसके आसपास ये पतिया लटका दी, थोड़ा ऐसे एस्थेटिक लुक आता है। अब हम एक चुड़ैल बनाने वाले हैं, अब हम एक लड़की बनाने वाले हैं। तो जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैं एक लड़की की बैक बना रही थी जिसके बाल हवा में पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ रहे हैं। अब और डिटेल्स ऐड करने के लिए हम कुछ नहीं, हम वाइटनर लेकर आए हैं, लोग उसे करेक्शन पेन भी बोलते हैं, तुम उसको जो भी बोलते हो। अगर तुम उसे कुछ और बोलते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसको और क्या बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से हम ऐसे सितारे और ऐसे डॉट्स लगा देंगे तो उससे थोड़ा वो ये एस्थेटिक लुक आ जाता है और कुछ नहीं होता, तुम्हारी बस ड्राइंग और अच्छी दिखनी शुरू हो जाएगी, तुम और प्रोफेशनल लगने शुरू हो जाओगे बस। और बस ऐसे ही फालतू बकवास करते करते हमारी ड्राइंग रेडी हो चुकी है। अब हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी टेप्स को हटाएंगे ताकि एक क्लियर सुंदर सा लुक आए, और हमारी ड्राइंग रेडी हो चुकी है।